लास्ट में संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ रहे थे, यहां से हर बार क्वेश्चन आया है ना, जब भी जैसे पॉलिटी में जिसमें सिलेबस है उसमें से संवैधानिक विकास के इतिहास से आया है। संवैधानिक विकास का इतिहास मतलब, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे संविधान जो बन रहा था ठीक है, उससे भी पहले जिस हिसाब से जो कानून चलता था वो था इसमें संवैधानिक विकास के इतिहास में पढ़ेंगे उसी में। मतलब इससे पहले ब्रिटिश लोग थे तो उन लोग कैसे कैसे टाइप से कानून ला रहे थे, और फिर इन्हीं में से कुछ कुछ जो कानून है वो मूल संविधान में फिर इधर उसी से ही मिलकर बनाया गया, ठीक है ना। बाहर देशों से भी स्रोत के रूप में लिया गया लेकिन इसमें से भी लिया गया। 1935 का जो देखे थे भारत शासन अधिनियम, याद आ रहा है पूरा ईयर, ठीक है। संवैधानिक विकास के जो इतिहास को पढ़ रहे थे तो उसको हम लोग दो भागों में बांट रहे थे, एक जब 1857 की क्रांति का पहले का इतिहास, 1857 की क्रांति हुई थी, सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं, ये वाला हिस्ट्री पढ़े होगे तो मेरठ से चालू हुआ था, मेरठ में सैनिक विद्रोह, मेरठ मतलब यूपी वाला एरिया, वहां से सैनिक विद्रोह चालू हुआ था। तो उसके पहले का जो संवैधानिक विकास है उसको अलग भाग में बांट कर पढ़ रहे हैं, फिर 1857 की जो क्रांति है हुई उसके बाद का दो भागों में बांट कर पढ़ रहे थे। ईयर पूरा याद है, 1857 की क्रांति से पहले कौन कौन से ईयर पढ़े थे, 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में क्या आया था, राजपत्र अधिनियम, 1600 ईस्वी का राजपत्र अधिनियम। फिर इसके बाद एक ईयर देखे थे कौन सा, 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में था रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम क्या दिया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेशन के लिए आया था भारत में, पूरा डिटेल देखेंगे अभी, पहले नाम एक बार फिर से देख लो। 1600 ईस्वी में राजपत्र अधिनियम, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781 ईस्वी चार्टर एक्ट, ठीक है। फिर कौन सा ईयर आया था, 1784 इसमें क्या था, ये भी 1784 का, इसको नाम दिया गया था क्या, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स ब्रिटिश पीएम उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट, उन्हीं का कार्यकाल था इसलिए। फिर 1793 चार्टर एक्ट, 1793 के बाद 1813 ईस्वी का, फिर 1833 ईस्वी और फिर 1853 ईस्वी, ये तीनों क्या थे, चार्टर एक्ट, ठीक है। ये जो बार बार नाम आ रहा है चार्टर एक्ट, मतलब समझ रहे हो ना, चार्टर एक्ट मतलब एक प्रकार का घोषणा पत्र ही था, ठीक है। उसमें राजपत्र अधिनियम जैसे ये है, ठीक है, वैसे ही टाइप का उसमें लिखा रहता था कि किस प्रकार से शासन हुआ है, और इस सब को लागू कौन कर रहा था, जो 1857 की क्रांति से पहले का जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कहलाएगा, इतना जो लागू हो रहा है ये लागू करने वाली कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जबकि इसके बाद यानी 1853 के बाद एक बीच में युद्ध हुआ 1857 की क्रांति का, ठीक है, विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह के बाद जो भी कानून आएगा उसको लागू कौन करेगी, ब्रिटिश महारानी, ठीक है, इसी को क्राउन रूल भी कहते हैं, इसी कारण ताज का शासन क्राउन रूल, ब्रिटिश महारानी ने इसको लागू किया था, ठीक है।
तो 1857 की क्रांति के बाद जो जो आए उसको क्या क्या नाम दिया गया, कौन कौन से ईयर में आए पहले तो बताओ ईयर। 1858। अब ये भारत में शासन करने के लिए आ रहे थे इसलिए भारत शासन अधिनियम, अधिनियम मतलब वही एक्ट, ठीक है इधर एक्ट लिखे उधर अधिनियम लिख दिए, कोई अलग चीज नहीं है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 के बाद 1861 इसका क्या नाम था, परिषद अधिनियम, फिर 1892 ये क्या था, भारत शासन अधिनियम, फिर 1892 के बाद 1909, फिर 1935 और 1947। 1909 वाले को क्या नाम दिया गया था, मार्ले मिंटो सुधार। दो अलग अलग नाम है मार्ले और मिंटो, ये भारत सचिव थे, ये भारत के वायसराय थे, वही वायसराय जो पहले हम लोग देखे क्या थे, पहले गवर्नर नाम था उसी का गवर्नर जनरल नाम होगा, उसी को फिर वायसराय कर दिया जाएगा, है एक ही पोस्ट, ठीक है। तो ये कौन थे, भारत सचिव और ये भारत के वायसराय। फिर 1919 में आया, इसको क्या नाम दिया गया, चेम्सफोर्ड सुधार, जो अलग नाम है उसको बता रहा हूँ, बाकी तो नाम ये याद रहेगा ही। 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1909 और 1919 का भारत शासन अधिनियम, तो इसको नाम दिया गया मार्ले मिंटो सुधार और इसको चेम्सफोर्ड सुधार। सेम वैसे ही चेम्सफोर्ड, चेम्स और फोर्ड दो अलग अलग नाम है, ये एक भारत सचिव है और ये वायस राय, ठीक है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1947 का भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत अंतिम रूप से जो भारत है, भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य अलग अलग देश बने थे अंतिम रूप से 1947। इतना याद रहेगा, एक बार फिर से, सबसे पहले 1600 का राजपत्र अधिनियम, फिर उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेशन के लिए आया था, नियंत्रण के लिए आया था, फिर उसके बाद 81 चार्टर एक्ट, फिर 84 पीट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद 1893 ठीक, फिर उसके बाद 1813, फिर 1833, फिर 1853 ठीक है ना। और इधर 1857 की क्रांति के बाद 92 1947 ठीक है। मेन पहले तो हेडिंग याद रहना चाहिए कि किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, संवैधानिक विकास में, ये मेन जो संवैधानिक विकास है इतना को मैं बताया। अब एक एक करके इसको फिर देखेंगे कि इसमें था क्या, क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, कि इस संवैधानिक विकास में यानी 1861 के मान लो संवैधानिक जो भारत शासन अधिनियम था इसमें क्या प्रावधान था, तो उसका एक साइड प्रावधान दे देगा और उसका एक साइड ये ईयर दे देगा, ठीक है, या ऐसा दे देगा मार्ले मिंटो सुधार कब आया, ऐसा टाइप से, ठीक है, या दे देगा रेगुलेटिंग एक्ट की क्या क्या विशेषता थी, तो आजकल उसमें आता है पैटर्न में, मतलब सही असत्य कथन को मतलब हटाने के लिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दो तीन स्टेटमेंट दे देगा और एक स्टेटमेंट को गलत कर देगा और बोलेगा कि इसमें से गलत को हटाना है,
बहुत सा टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है और इसमें से आया भी है, ठीक है, हर बार एग्जाम में संवैधानिक विकास से आया है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है संविधान का। तो सबसे पहले इसमें अभी कौन सा वाला पढ़ेंगे, 1600 ईस्वी का राजपत्र अधिनियम क्या था,